हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू योर ओन यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए प्रेडिक्शन लेकर आया हूँ 5 दिसंबर आईएलएस एग्जाम की। सो अगर आपका भी एग्जाम है उस दिन, देन मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। आई विल मेंशन सम इम्पॉर्टेंट राइटिंग टास्क 1 और 2 स्टेटमेंट्स, और साथ ही आपको रीडिंग पैसेजेस के नेम्स भी बताऊंगा जिसमें से आपको एग्जाम रिपीट होते हुए देखने को मिल सकता है। इवन इन प्रीवियस एग्जाम राइटिंग टास्क 1 गॉट रिपीटेड फ्रॉम माई राइटिंग बुक। टास्क 1 सेम एज इट इज वाटर फिल्टर असेंबली वाला मेरी ही राइटिंग बुक में से देखने को मिला आपको, विद सैम्पल आंसर उनको मैंने प्रोवाइड कर रखा था। जिसने भी मेरी राइटिंग, रीडिंग और लिसनिंग बुक बाय करी थी, साथ में कॉम्बो पैक मिलता है आपको, उनका राइटिंग मॉड्यूल बहुत अच्छा गया। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, पिछले अगर आप 10 एग्जाम उठा के देखें तो 9 out of 10 टाइम्स आपको राइटिंग टास्क इसी बुक में से देखने को मिले हैं। इवन रीडिंग एंड लिसनिंग भी रिपीट हुई है। लेट्स सी कि इस बार आपको 5th दिसंबर के एग्जाम में क्या देखने को मिल सकता है। राइटिंग टास्क 1 आपको लाइन, टेबल एंड बार, इनमें से एक आने की चांसेस हैं। फोकस आपने लाइन चार्ट एंड टेबल के ऊपर रखना है, इन दोनों में से आपको देखने को मिलेगा एग्जाम के अंदर। ऐसे की अगर मैं बात करूं तो आपको राइटिंग टास्क 2 ईजी आने वाला है। प्रॉब्लम सोल्यूशन टाइप क्वेश्चन, डिस्कस बोथ विज गिवर ओपिनियन, या फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज में से एक क्वेश्चन टाइप हो सकती है। आई कंसिडर कि आपको प्रॉब्लम सोल्यूशन या फिर डिस्कस बोथ व्यूज में से एक देखने को मिलेगा। टॉपिक्स जो आपने कवर करने हैं, इसमें आपका फैमिली एंड चिल्ड्रन, एजुकेशन, मीडिया, ये 3 मेन रहेंगे आपके। फैमिली एंड चिल्ड्रन में आपने क्या फोकस करना है कि पेरेंट्स को क्या कोर्स करना चाहिए पेरेंटिंग का, ठीक है, बिकॉज यंग एज में पेरेंट्स बन रहे हैं लोग, ठीक है, या फिर पेरेंट्स को रूल सेट करने के चाहिए चिल्ड्रन के लिए, या फिर उनको फ्रीडम मिलनी चाहिए, समथिंग लाइक दैट। सो फैमिली एंड चिल्ड्रन रिलेटेड। उसके बाद एजुकेशन की बात करें तो सब्जेक्ट्स के ऊपर हो सकता है, या फिर स्कूल में टीचर्स को कुछ स्किल्स या फिर कुछ हैबिट्स सिखानी चाहिए बच्चों को, उसके ऊपर आपका हो सकता है एजुकेशन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। मीडिया में आपका आता है न्यूज़पेपर, चाहे वो डिजिटल हो या फिर प्रिंटेड न्यूज़पेपर, न्यूज़, उसके बीच में कंपैरिजन हो सकता है आपका, या फिर टेलीविजन, उसका इम्पैक्ट क्या है लोगों की लाइफ में, राइट। सो ये आपके मेन क्वेश्चन टाइप रहेंगे। मेरी बुक में से मैंने इस प्रेडिक्शन वीडियो में 4 या 5 क्वेश्चन डाले हैं एग्जैक्ट सेम स्टेटमेंट, बाकी रिलेटेड टॉपिक्स हैं। सो अगर आपको एग्जैक्ट बुक चाहिए तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अभी मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा। इसमें से आप इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखें, बुक में से मैंने ये डाला है, यंग पीपल आर एडमायरिंग मीडिया एंड स्पोर्ट्स स्टार्स इवन दो दे डोंट सेट अ गुड एग्जाम्पल, सो पॉजिटिव नेगेटिव डेवलपमेंट टाइप क्वेश्चन। उसके बाद ये वाला, सम पीपल से फ्री टाइम एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रन शुड बी ऑर्गेनाइज बाय पेरेंट्स, या फिर खुद से ही उनको फ्रीडम होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो दिस क्वेश्चन वुड बी इम्पॉर्टेंट कि आजकल फैमिलीज में बोथ पेरेंट्स वर्किंग है, तो ग्रैंड पेरेंट्स बच्चों का ध्यान रख सकते हैं। मीडिया की अगर मैं बात करूं तो दिस वन वुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर मीडिया बेस्ड क्वेश्चन, आगे आएगा आपका। आजकल जो डिफरेंट कंट्रीज हैं, सेम शॉप्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव डेवलपमेंट टाइप। आगे चले तो दिस वन, यंग पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड इन बिहेवियर्स बाय अदर पीयर ग्रुप बेसिकली, सो आपका ये एडवांटेज डिसएडवांटेज टाइप क्वेश्चन रहेगा। एंड दिस इज योर डायरेक्ट क्वेश्चन, सम ऑफ द सोसाइटी रोल ऑफ मदर एंड फादर डिफर, सो डिफरेंट रोल्स कॉजेस क्या हैं, एंड आगे चल के कौन से आपके पेरेंटल रोल्स होने वाले हैं, राइट। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने बुक में से डाले हैं 4-5, बाकी रिलेटेड हैं। बट अगर आपको एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स चाहिए जो कि एग्जाम में रिपीट होती हैं, मल्टीपल टाइम्स ऑलरेडी हो चुकी हैं, एंड अभी एडवांस में आपको बता रहा हूँ, आने वाले जितने भी दिसंबर के एग्ज़ाम हैं आपको मेरी बुक में से ही रिपीट होंगे, बिकॉज जो बुक्स मैंने बनाई हैं वो IDP के पास्ट एग्जाम क्वेश्चन बैंक से ही बनाई हैं, जो भी पिछले 1-1.5 साल में उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं, होपफुली आपको उसमें से रिपीट होगा, बिकॉज वो ऐसा ही करते हैं, शफल करते रहते हैं अपने टॉपिक्स को। टास्क 1 में आपका ये वाला इम्पॉर्टेंट रहेगा, पॉपुलेशन वाला, ठीक है, 69-year-old पॉपुलेशन। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो टास्क 1 में आपका ये वाला आ जाएगा, या परसेंटेज ऑफ पीपल वर बॉर्न इन ऑस्ट्रेलिया। देन आगे चलूँ तो टास्क 1 में जो बुक में से मैंने अपनी बुक में से यहाँ पे मेंशन किया है, कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ पोटैटोज इन 5 parts ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। सो ये आपका राइटिंग मॉड्यूल हो गया। अब रीडिंग पे आते हैं। सो रीडिंग आपका लेवल रहेगा मॉडरेट, ठीक है, इजी टू मॉडरेट रहेगा, ज़्यादा टफ नहीं होगी, ठीक है। पैसेज 1 में आपको
नॉर्मली आते हैं ट्रू फॉल्स ब्लैंक्स, ठीक है, ये आपकी क्वेश्चन टाइप रहती है, बट अगर चेंजेस करने होंगे तो वो शायद हेडिंग्स डाल दें आपको पैसेज वन में, ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन टाइप ट्रू फॉल्स एंड ब्लैंक्स रहती है आपकी। पैसेज टू में आपको क्वेश्चन टाइप देखने को मिलेंगे विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, उसके बाद होंगे लिस्ट ऑफ पीपल मैच करनी है आपने, एंड आपकी तीन या चार ब्लैंक्स रहने वाली है, ठीक है, मॉडरेट लेवल रहेगा, इट विल नॉट बी हार्ड, ठीक। पैसेज थ्री की बात करूँ तो आपको हेडिंग्स देखने को मिल सकते हैं, वैसे तो चांसेस कम है, सो क्वेश्चन टाइप आपकी रहेंगी एमसीक्यूज, ठीक है, उसके अलावा आपका समरी हो सकती है एंड साथ में मैचिंग दी सेंटेंस एंडिंग्स, ठीक है, ये आपके क्वेश्चन टाइप रहेंगे एंड दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पैसेजेस। इसमें पैसेज वन मेरे को रिपीट होते हुए देखने को लग रहा है कि आ सकता है, पैसेज वन आपको, उसमें आपका थॉमस यंग मेन रहेगा, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉटकिन टेंच, ठीक है, ये आपके पैसेज वन है। उसके बाद पैसेज थ्री अगर रिपीट होता है तो आपका सैंड ड्यून्स, लिविंग ड्यून्स जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो रहेगा। उसके बाद आपका स्टार परफॉर्मर्स, ये आपका इंपॉर्टेंट पैसेज है, ठीक है। आगे चले तो पैसेज वन में हाउ टू फाइंड योर वे आउट ऑफ फूड डेजर्ट, ये आपको जरूर वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको आ सकता है, ठीक है। पैसेज टू में बर्ड माइग्रेशन टू, और अगर बात करें बर्जर्स शेल फॉसिल्स ये वाला, एंड पैसेज थ्री में द वॉयनेज मैन्यूस्क्रिप्ट, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पैसेजेस, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, ये मैंने अपनी बुक में से डाले हैं, ठीक है, आपको इजीली मिल जाने चाहिए, बट कुछ पैसेजेस आपको कहीं नहीं मिलेंगे, जैसे फियर वाला है, साइट वाला है, ठीक है, ये आपको शायद कहीं भी ना मिले, ठीक। सो आपको अगर बुक्स चाहिए होगी तो जल्द ही मैं आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो आप देख लीजिएगा। लिसनिंग मॉड्यूल पर आए तो लिसनिंग आपको ईजी आने वाली है एग्जाम में 5 दिसंबर की। पार्ट वन पार्ट फोर में आपको वन वर्ड टू वर्ड एंड और नंबर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पार्ट वन में आपका क्या रहेगा, कोई क्लासेस हो सकती हैं, कम्युनिटी क्लासेस या फिर कोई स्विमिंग लेसन समथिंग लाइक दैट, या फिर आपका कोई टूरिज्म बुकिंग टाइप, ठीक है, कहीं ट्रैवल करना है उसके रिलेटेड आपका नोट्स कंप्लीशन रहेंगे। पार्ट टू में आपके आएंगे एमसीक्यूज प्लस मैचिंग टाइप क्वेश्चन, ठीक है। पार्ट थ्री और फोर में आपकी फ्लुएंसी ज़्यादा रहेगी, सो मेक श्योर कि आप 1.25 की स्पीड के ऊपर प्रैक्टिस करें। पार्ट थ्री और फोर में आपका, पार्ट थ्री तो लॉन्ग एमसीक्यूज प्लस बॉक्स मैचिंग रहती है आपकी, पार्ट फोर आपका लेक्चर रहेगा किसी भी एनिमल या फिर बर्ड्स की साइंसेस के ऊपर हो सकता है, ठीक है, किसी एंशियंट मटीरियल आर्टिफैक्ट आइटम के ऊपर हो सकता है, और इट कुड बी बेस्ड ऑन लैंग्वेज। इंपॉर्टेंट लिसनिंग है आपके लिए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी बीच एंड फेस्टिवल, उसके बाद आपका बिस्लामा, वेरी इंपॉर्टेंट बिस्लामा लैंग्वेज है ये आपकी। पार्ट थ्री में आपका आ जाएगा टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन मैप रीजनल पार्क वाला, फोर्टिक स्नीजिंग पार्ट फोर आपका, सो इंपॉर्टेंट ये कुछ हैं, ठीक है, इनको ध्यान से देखिएगा, इनमें से आपको रिपीट हो सकता है एग्जाम के अंदर। कहाँ से मिलेंगी आपको ये सारी लिसनिंग, ये आपको मेरे लिसनिंग वाले चैनल लिसनिंग फॉर आइल्स यहाँ से मिलेगी, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, यहाँ से मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में ऑलरेडी लिसनिंग आ चुकी है, मेरी लिसनिंग बुक में से ही आई थी आपको 2nd नवंबर, इवन 7th नवंबर को, 2nd नवंबर को तो पार्ट वन पार्ट थ्री दोनों आए थे आपको, ठीक है, और जो 7 नवंबर है उसमें पार्ट वन आया था फ़ोन इंटरव्यू वाला, आप जाके रिव्यू वीडियो चेक कर सकते हैं, ठीक है, सारी वीडियोज़ अपलोड कर रखी हैं मैंने, आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा उससे। एंड रिसेंटली आपको ये वाली लिसनिंग आई है श्रीलंका में अर्ली हिस्ट्री ऑफ सॉल्ट, एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था, सो वो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया था कि उनका एग्जाम है, सर आई गॉट दिस पार्ट फोर इन माय लिसनिंग टेस्ट आई लर्न 30th नवंबर फ्रॉम श्रीलंका। सो जो भी यहाँ पे मैं लिसनिंग्स अपलोड कर रहा हूँ दीज आर रियल एग्जाम लिसनिंग्स एंड मल्टीपल टाइम्स यहाँ से रिपीट हो चुकी हैं एंड आने वाले एग्जाम्स में भी आपको यहीं से लिसनिंग सेक्शन रिपीट होते हुए ज़रूर दिखेंगे, ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको देखने को मिलेंगे। इवन अगर आप देखें तो पिछले एग्जाम में इंडिया एंड नेपाल में राइटिंग टास्क वन आया था उज्बेकिस्तान, इन उज्बेकिस्तान बोथ राइटिंग टास्क वन एंड टू वर फ्रॉम माई बुक, दिस वॉज द टास्क वन इन उज्बेकिस्तान, टाइप्स ऑफ मैगजीन सोल्ड, ठीक है, एंड दिस वॉज द राइटिंग टास्क टू, न्यूज़ पेपर्स आर द बेस्ट वे टू लर्न अबाउट द न्यूज़, अदर्स बिलीव दैट दे कैन लर्न न्यूज़ मोर एफिशियंटली थ्रू अदर मीडिया, डिस्कस बोथ हिज गिव ओपिनियन, सो माई बुक्स आर एप्लीकेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड। If you want to prepare for your exam and आपको चाहिए कि कुछ ना कुछ repeat हो, so these three books, listening, reading, writing, reading भी आपको 2nd November, 7 November और उसके पहले जो 28 October exam हुआ, तीनों exam में consecutively, reading passage 3 मेरी book में से ही आया था,
यू कैन गो एंड सी द वीडियो, मैंने वीडियो में भी वो बता रखे थे पैसेजेस। सो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम रिपीट हुआ कुछ, दिस इज अ कंसिस्टेंट थिंग विच इज हैपनिंग विद आवर प्रेडिक्शंस, राइट। सो अगर आपको ये बुक्स चाहिए होंगी तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। तीनों बुक्स का कॉम्बो पैक साथ में मिलेगा, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग टॉपिक्स, तो मैं अपने चैनल पे ही अपलोड कर देता हूँ जो भी स्टूडेंट मेरे साथ शेयर करते हैं। और मैंने कल आपके लिए डाल भी दिया था स्पीकिंग टॉपिक्स, तो उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा, कल आपके लिए अपलोड कर दी थी। एंड जो भी स्पीकिंग देके आए हैं स्टूडेंट रिसेंटली, प्लीज़ मेंशन योर स्पीकिंग टॉपिक्स इन द कमेंट सेक्शन। एंड जिसको भी मेरे ऑनलाइन बैच में एनरोल करना हुआ मुझे बता देना। रिजल्ट्स आप मेरे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर देख सकते हैं, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है मैंने। मेरे स्टूडेंट्स के 8.58 बैंड्स रीडिंग लिसनिंग के अंदर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, आपके भी आ सकते हैं। सो इफ़ यू वांट पर्सनल गाइडेंस मेक श्योर टू रजिस्टर इन माय ऑनलाइन क्लास। आपको मैं अश्योरेंस देता हूँ कि विद इन 1 month 20 डेज आप इतनी बढ़िया इंप्रूवमेंट करेंगे कि आपके 6.57 बैंड्स इजीली आ जाएंगे, ठीक है। सो वीडियो को आप शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने कजन्स के साथ। एंड आपके लिए एक टारगेट है, आई हैव टू रीच 9K सब्सक्राइबर्स बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट एग्जाम। आई होप यू कैन हेल्प मी आउट, आपने इतना प्यार दिया है चैनल को, आगे भी आप देंगे, ठीक है, होपफुली। सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकॉन। आई विल सी यू वेरी सून इन द लाइव सेशन, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे अगले एग्जाम्स की। टेक केयर।